कितना देर पढ़ाई करते थे, सबसे बेटर बुक कौन सा है, हिंदी मीडियम में एग्जाम दी थी कि इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दी थी, आपका तैयारी कैसा, आपका कोचिंग आप किए थे, जैसे स्टूडेंट के लिए कितने घंटे का नींद जरूरी होना, इसी पर ज्यादा फोकस करते थे या फिर सब्जेक्टिव पर, कभी कोचिंग छोड़ते थे, क्लियर करना चाहते हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम से आप किए, जबकि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम का अगर होता तो ज्यादा बेटर होता, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत और नंबर मिलना चाहिए, सुने आपके पिताजी कि हमारी बेटी टॉप कर गई है, तो इनका रिएक्शन क्या, जी शुरू से मैट्रिक का एग्जाम देंगे, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो टॉपर बन सके, सेटिस्फाइड नहीं है, भाई को क्या सिखाना चाहेंगे आप, किधर लगता है कि अभी टॉपर बन जाएंगे, तो क्या टॉपर बनने के पहले विश्वास था कि हम टॉप ही करेंगे, आपकी बुक कितना कारगर है 12th के लिए, अभी तो बस ट्रेलर है, अभी और आगे जाना है, वाह क्या बात है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना, करने के बाद भी सपना होता है कि विदेश जाना है कि देश में रहना, जो हम लोग अभी अभी निकले हैं आयुषी रंजन से मिलने के लिए, कि चलते हैं भाई उनसे जरा पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, ताकि आप लोगों को आगे के लिए मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि आप लोगों के मन में भी इच्छा होगा कि आखिर वो टॉप कर गई तो कैसे कर गई, कैसे पढ़ाई करती थी, कितना देर पढ़ाई करती थी, कहाँ से पढ़ाई करती थी, कौन सा बुक पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, सब कुछ आपके मन में सवाल होगा, तो हम वहां जरूर जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपका होगा, बशर्ते आपका सवाल हमारी माध्यम से पूछा जाएगा, लेकिन जो भी आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं ना, हमारे दिमाग में भी वो सवाल चल रहे हैं, तो सारे सवाल का जवाब वहां पर जाने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा, और जैसे ही वहां हम जाएंगे उनसे सवाल करेंगे तो तुरंत वीडियो हम अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक सवाल का जवाब मिल जाए, और आप लोग भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से तैयारी करें जिस तरीके से आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, और आप लोग भी मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगा टॉपर बनने का, सब बच्चों के मन में इच्छा होता है टॉपर बनने का, तो किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आगे वो गाइड करती है यह सब कुछ देखना है, तो चलिए अब हम वहां पहुंच करके, उनके पास पहुंच करके अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, फिर वहां से आप लोगों को आगे देखने का मौका मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैं उस स्टूडेंट के पास मैं बैठा हुआ हूँ जिसके बारे में हम जितना बोले उतना क्या है, कम है। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आप लोग को कुछ मैं बता दूँ कि मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, वैसे सबको जान रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, क्रिस सर, और अभी मैं आयुषी के घर पे आया हूँ, और आयुषी मेरे ही जिला से बिलोंग करती है, और आयुषी के पास जो मेरा आने का मेन पर्पस ये है कि जो भी टेंथ के बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी बच्चे टेंथ का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आगे अब कैसे तैयारी करें, क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, तो इन्हीं के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल मैं आयुषी से करूँगा कि कैसे आप तैयारी करते थे, और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी 11th को, जो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर मतलब समझते हैं रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्या है रेस्ट ईयर, 11th में सोचता है क्या पढ़ना है, बिहार बोर्ड का तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, तो उसमें तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग कुछ हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे आयुषी से। तो सबसे पहले आयुषी से मेरा ये सवाल है कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे? मन पे डिपेंड था, मिनिमम 8-9 घंटा, 8-9 घंटा मिनिमम पढ़ते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर जैसे कि 11th, जिस समय आप 11th में थे, तो उस समय आपका स्ट्रेटजी क्या था, पढ़ाई का लेवल उस समय क्या था आपका? उस टाइम में ये था कि पहले से बेस मजबूत रखना, हाँ बेस मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि 11th अगर ढंग से पढ़ लिया तो 12th भी बेटर हो ही जाएगा। जी जी जी, तो 11th से पढ़ने का शुरू किया, ऐसे ऐसे पढ़ना और 12th में उसका। तो 11th में जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इनका बहुत सारा टॉपिक क्या होता है, मैथ होता है, बहुत सारा टॉपिक क्या होता है, मैथ होता है 12th में, तो इसलिए आपको ये चीज़ लग रहा था। अच्छा, तो 11th में आपका इंग्लिश के प्रति कैसा था, आउट इंग्लिश, इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश जब 11th, क्योंकि 10th में तो पढ़े ही नहीं थे इंग्लिश का, वैसे भी नंबर आ जाता है, उसका रीज़न है कि उसका रीज़न है बहुत बड़ा कि सोचना चाहिए, हम शिक्षा मंत्री से ये भी बोलेंगे कि सोचना चाहिए कम से कम बिहार में बच्चे को कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए कि इंग्लिश का महत्व दे देना चाहिए, क्योंकि भारत का सेकेंड लैंग्वेज संविधान में उर्दू है, लेकिन यदि यूज की बात करें तो इंग्लिश है ना, तो बहुत सारे बच्चे के साथ ये परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में 11th 12th में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, जैसे कि ग्रामर का सामना करना पड़ा होगा, अचानक 12th में आ जाने के बाद जो है ग्रामर का बेस नहीं बना है, वहाँ पर डायरेक्ट टाइम एंड टेंस विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए भिड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जो किए हैं वो वाकई, वैसे स्ट्रीम कोई हो, लैंग्वेज कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, माध्यम कोई हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आप जो किए हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा
लाजवाब है कि जैसे कि कभी काल हॉलीडे आ जाता होगा, घर में कोई फंक्शन आ गए, कोई गेस्ट आ गए, तो उसमें पढ़ाई आपका डिस्टर्ब होता होगा, तो उसको मैनेज कैसे करते थे? तो वो हो जाता था कभी कभी, तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हाँ, एंटरटेनमेंट तो जरूरी होता ही है। जब मेरा मन नहीं भी करता था तो ब्रेक ले लेते थे, और रहा बात मैनेज करने का, तो वो तो स्मार्ट वर्क करके तो कर ही लेते। वैसे हाँ, एक चीज स्मार्ट वर्क बोले, वाओ, हम कितनी बार आप लोग को हम बताते थे कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू नॉट सक्सेस। अभी हर एक कोई कठिन काम करने वाले सफल होते, तो आज रिक्शा चलाने वाली, ये नहीं कि रिक्शा चलाने वाली ये सोच लीजिएगा कि हमको बोल रहे हैं सर रिक्शा, मतलब काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, यानी स्मार्ट तरीके से। जहाँ 8 घंटे कोई पढ़ रहा है लेकिन उसका डेडिकेशन नहीं है, पावर नहीं है फोकस का, वो कुछ नहीं होता। यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आप स्मार्ट वर्क पर विश्वास करते हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आपके सामने प्रिंस सर कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स के बारे में पूछेंगे, तो चलिए सर आप थोड़ा पूछ लीजिए। हम अपने सभी बच्चों को यह बोलना चाहेंगे कि आज हम जिस स्टूडेंट के सामने बैठे हुए हैं, आज बिहार क्या बिहार से बाहर में भी एक पहचान का मोहताज नहीं है कि इनको पहचान बताना होगा कि हमारा नाम क्या है। कहा जाता है कि कुछ काम ऐसा करो कि लोग आपको गूगल पर सर्च करना शुरू कर दें, और कहीं ना कहीं हम लोग भी कल से ही गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिए हैं। कौन है भाई आयुषी रंजन, और उनका इंटरव्यू देखना हम शुरू कर चुके हैं। और सबसे गर्व का विषय यह है कि हमारे बिहार के एक जिले खगड़िया जिला से बिलोंग करती हैं, और इनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि दूध का व्यापार करते हैं। और जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको हम भी बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पिताजी भी दूध का ही व्यापार करते थे। और आज बच्चों का ही कुछ सवाल है जो कि हमारे टारगेट बोर्ड के जितने सारे भी स्टूडेंट हैं उनके मन में कुछ सवाल था जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे। वे बोल रहे थे कि सर जब आप खगड़िया जिला से ही हैं तो फिर हम लोगों के लिए कुछ टिप्स जो आयुषी रंजन से आप पूछ सकते हैं वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम माता पिता से शुरुआत करेंगे, क्योंकि माता पिता सबसे बड़ा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने माता पिता का नाम बता दीजिए। पापा का नाम सर्वेश कुमार सुमन, मम्मी का नाम अमीषा कुमार। अच्छा, और बच्चों का एक कॉमन सवाल होता है जो कि हर एक बच्चे के मन में चलता है कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे, जो कि हर एक बच्चे का सवाल होता है, सभी बच्चे जानना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको नजदीक कर लीजिएगा ताकि आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो हर एक बच्चों का सवाल होता है कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे, तो अगर छोटा छोटा आंसर देंगे तो जल्दी जल्दी हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो आप कितना देर पढ़ाई करते थे? मेरा ये था कि 7 से 8 घंटा तो पढ़ना ही है, 7 से 8 घंटा, लेकिन जब मन ना हो तो ना पढ़े, ये मेरा सजेशन है। लेकिन एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम नजदीक आ गया था तो उस टाइम अपने घंटे को बढ़ाना है, लेट नाइट स्टडी करना है। लेट नाइट तक स्टडी करना है। अच्छा, अगर बुक के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी के बुक से पढ़ें या फिर कौन सा बुक से पढ़ें, तो आपको क्या लगता है 12th के लिए सबसे बेटर बुक कौन सा है, सबसे बेस्ट बुक? बेस्ट बुक तो एनसीईआरटी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर अपने नोट्स पे पकड़ बनाए रखते थे, जो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो बताए थे ना, तो वो नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहते थे। अच्छा, उसके अलावा बच्चों का सवाल था कि सर आयुषी रंजन हिंदी मीडियम में एग्जाम दी थी कि इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दी थी? हिंदी मीडियम था। अच्छा, हिंदी मीडियम में ही आपका एग्जाम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। चलिए, इसके अलावा 11th में आपका तैयारी कैसा था? चूंकि 11th क्लास को बच्चे मानते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, 11th में कौन पढ़ता है, 11th तो ऐसे ही है, लेकिन 11th में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपका तैयारी कैसा था, थोड़ा सा इस विषय में आप बता दीजिए। जी, 11th में भी तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि उससे बेस मजबूत होता है, जो चीज़ 12th में होता है वो चीज़ 11th में भी उसका बस एक छोटा सा डेमो होता है, तो 11th पे भी पकड़ होना चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट 11th का भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है कि किस किस सब्जेक्ट का कोचिंग आप किए थे? जैसे कोचिंग होता है ना कि ट्यूशन हम इस चीज़ सब्जेक्ट का जा रहे हैं, बाकी जो एक दो सब्जेक्ट जो हल आसान है उसको हम घर पर ही स्टडी कर ले रहे हैं, तो आप कोचिंग जाते थे तो किन किन सब्जेक्ट का करते थे कोचिंग? हिंदी सिर्फ खुद से पढ़े थे, बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर से। अच्छा, हिंदी खुद से पढ़े थे, बाकी इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब टीचर के पास। ओके, ठीक है। रात में लगभग कितना बजे तक पढ़ाई करते थे? 12-1 नॉर्मल। अच्छा, 12-1 बजे तक पढ़ाई करते थे। और आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के लिए कितने घंटे का नींद जरूरी होना चाहिए? नींद तो प्रॉपर लेना चाहिए, हम भी बहुत सोते थे एग्जाम टाइम में, तो और सोते थे। अच्छा, मतलब 6 घंटे 7 घंटे तक? हाँ, 6 से 7, 6 से 7 घंटे तक का। एग्जाम में आपका जो एग्जाम जब देने जाते थे, घर से निकलते थे, तो उसमें प्लानिंग क्या होता था कि एग्जाम में मुख्य रूप से हमें ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है कि सब्जेक्टिव पर, क्योंकि 50-50 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करते थे या फिर सब्जेक्टिव पर? लास्ट टाइम में तो सब्जेक्टिव पे हम ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुरू से ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होता चला जाता है। हाँ, तो लास्ट टाइम में सब्जेक्टिव के लिए राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना पड़ा था। हाँ, बच्चे के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद करने में मज़ा आता है।
लेकिन सब्जेक्टिव पर बच्चे पकड़ नहीं बनाते हैं और अंत में जाकर कहते हैं सर सब्जेक्टिव पढ़ाइए सब्जेक्टिव पढ़ाइए, जैसे हम लोग के भी साथ फेस होता है तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा करते थे। इसके अलावा देखिए चूंकि पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में फेस्टिवल आ जाता है, होली आ गया, दिवाली, दशहरा, मतलब पर्व त्यौहार तो आते रहता है, तो पर्व त्यौहार में आपका क्या प्लानिंग रहता था, पढ़ाई को मैनेज कर पाते थे पर्व त्यौहार में या फिर पर्व त्यौहार में बाकी जैसे जनरल बच्चे करते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पर्व त्यौहार में ही लगे हुए हैं वैसे ही करते थे? हाँ, जैसे कोई फेवरेट फेस्टिवल आ गया तो नहीं उसको एंजॉय करना, अगर छोटा मोटा है तो नहीं पढ़ लेना। अच्छा, मतलब कि फेस्टिवल को भी आप एंजॉय करते थे और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहते थे? वो तो। अच्छा, कभी कोचिंग छोड़ते थे, जब कोचिंग जाते थे तो आपके भी मन में सवाल आएगा कि कभी हम कोचिंग छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? नहीं नहीं, अभी तक 12th में बस एक दिन ही छोड़े थे। एक दिन छोड़े थे, उसके अलावा फिर कभी नहीं छोड़े? मतलब आप कोचिंग के प्रति समर्पित थे, एकदम रेगुलर बेस पे काम कर रहे थे, तब जाकर के कोई बच्चा टॉपर बन पाता है। और इसमें से अधिकांश बच्चे तो हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के जो भी बच्चे हैं ना, आधा हाँ आधा दिन छोड़ देते हैं, फेस्टिवल आया 5 दिन पहले से गायब हो जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप लोग कोचिंग कम से कम डेली आइए। अच्छा, उसके अलावा अगर क्लास में जाते थे तो डाउट होता होगा? जी, बहुत सारा डाउट होता है, तो क्लास में डाउट को क्लियर कैसे करते थे? जिस समय क्लास चलता था उसी समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब सर पढ़ा रहे हैं बीच में वहाँ पर टोक दिए, सर यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो वैसा करते थे या फिर अंत में आराम से रुक करके सर से पूछ लेते? नहीं, अगर ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा उसके बारे में जानना है तो उस टाइम सर से पूछ लेते थे, अगर है कि बाद में इसको किया जा सकता है तो डाउट्स का एक कॉपी था और बाद में जब सर फ्री होते थे जिस फैकल्टी से पूछना होता था तो उस फैकल्टी के पास जाके यहाँ प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पे डाउट क्लास। अच्छा, आपका प्लानिंग हम अभी तक हमको जैसा पता चला है UPSC का है, आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम से आप किए हैं, जबकि UPSC क्लियर करने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम का अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता अगर आर्ट्स से करते तब। और हमने तो इंटरव्यू में आपका एक भी देख रहे थे कि आपको मन था कि हम आर्ट्स ही लें लेकिन साइंस आप ले लिए लेकिन उसमें ही टॉप कर गए, तो आपको क्या लगता है आर्ट्स बेहतर होता है या फिर साइंस ही बेहतर है? बेहतर दोनों होता है लेकिन साइंस का फ्यूचर बेटर है, और वैसे भी हमको इंजीनियरिंग करना है UPSC से पहले। अच्छा, UPSC से पहले इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद आपको UPSC में जाना है? जी। ओके, मतलब आपका फर्स्ट चॉइस इंजीनियरिंग है? आपका जो नंबर हो तो दिखाई पड़ गया होगा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, किस सब्जेक्ट के नंबर से आप सबसे ज्यादा संतुष्ट है? मैथ में कितना नंबर आया है आपका? 100। अच्छा, 100 में 100 आया है, मैथ में 100 है, चलिए वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत और नंबर मिलना चाहिए था? वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस था कि मिलना चाहिए लेकिन नहीं। केमिस्ट्री में आपका मार्क्स कितना आया है? 90 है। 90, मतलब केमिस्ट्री में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम नंबर आया, कुछ और बढ़ना चाहिए तो एडिट हो जाए। आपका एग्जाम केमिस्ट्री में कैसा गया था? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था लेकिन शायद लग रहा है कि सब्जेक्टिव में कट सकता है नंबर। आपका कल का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि हमारा पूरा विश्वास है कि मैथ में ही सबसे ज्यादा नंबर आएगा। हाँ, वो विश्वास था, उस टाइम नंबर भी नहीं देखे। और मैथ में आप 100 में 100 लाए। अच्छा, एक सवाल जो सब कोई जानना चाह रहे हैं कि पहली बार रिजल्ट सुनकर आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था, जब पहली बार सुने आपके पिताजी कि हमारी बेटी टॉप कर गई है तो इनका रिएक्शन क्या था? उनको पहले से बिलीव था कि हम जरूर कुछ अच्छा करेंगे, टॉपर लिस्ट में भी नाम आएगा, तो इमोशनल थे सारे। अच्छा, आप हम ये भी सुने कि या फिर जब पिछली बार आप 9th रैंक लाए थे तो उस बार बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में भी आपका 9th रैंक था, तो उस समय आपको क्या लगा कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ कि उस समय टॉपर बनने से चूक गए? उस टाइम उतना डेडिकेट नहीं थे, सिर्फ ये था कि मतलब कि उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा सोचे नहीं थे कि टॉप करना है, बस था कि अपना बेस्ट देना। तो जब फिर नंबर आया तो सोचे कि जब इतना तक आ गया अगर और सोच के किया जाए, पूरी प्लानिंग की जाए तो रणनीति होना बहुत जरूरी है। हाँ, शुरू से ही होना चाहिए। जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो टॉपर बन सके, क्योंकि आप तो भाई 9th टॉपर है मैट्रिक में, नेक्स्ट टॉपर। हाँ, जो अगर मान लिया जाए कि जो मैट्रिक में अगली बार जो एग्जाम देंगे तो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? वो भी अपना एक गोल बनाए, अपना वो होना चाहिए ना कि एक टारगेट रखना चाहिए कि इतना मार्क्स हमको आना चाहिए, तो उस अनुसार से शुरू से मेहनत स्टार्ट कर देना चाहिए। ये भी रखना चाहिए कि हाँ हमको टॉपर बनना है, क्योंकि जब तक वो सोचेगा नहीं वो तो होना ही चाहिए ना। जब 9th टॉपर आई थी तो उस समय थोड़ा बहुत तो मतलब कि अफसोस आया होगा कि हम टॉपर नहीं बन पाए? हाँ, बस 8 नंबर कम था फर्स्ट नंबर टॉपर से।
चलिए बहुत वहाँ तक पहुँचे थे। इस बार आपका 474 नंबर आया है, तो क्या आप नंबर से संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? नहीं, नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहते थे कि 485 या 490 के आसपास आए नंबर, लेकिन नहीं आ पाए। अच्छा, चलिए कम से कम टॉपर तो आए, इस बात से तो संतुष्ट हैं। हाँ, उस बात से तो है। बहुत बढ़िया। और आपके हिसाब से, अच्छा, आप दो साल जो तैयारी किए 11th और 12th, सबसे ज्यादा जो आपको लगा कि हमारे लिए जो चैलेंजिंग मोमेंट था वो इस दो साल में क्या रहा आपके लिए, जो सबसे लगा कि नहीं चैलेंजिंग है, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया ये चीज़ आकर के, अगर ये चीज़ नहीं आता तो हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता। कोई ऐसा होता है ना लाइफ में, कोई ऐसा घटना घट जाता है कि चैलेंजिंग हो जाता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई ऐसा भी क्षण आया था? हाँ, वो तो हमेशा था ही, क्योंकि सबका ये मानना था कि जब हम 10th में कुछ अच्छा किया तो वो ये देखना चाहते थे कि मेरा 12th में क्या रैंक आता था, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहता था, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में हमेशा लिए। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हाँ, अकेले बहन है और दो भाई हैं। भाई छोटा है? हाँ, छोटा। तो अपने छोटे भाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने छोटे भाई अगर आपके बोले कि हम भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो अपने छोटा भाई को क्या सिखाना चाहेंगे आप? ढंग से पढ़ो लिखो। आप इधर आ जाइए, सिर्फ इतना है कि ढंग से पढ़ो लिखो। कुछ ऐसा राय दीजिए कि आखिर आपका जो छोटा भाई है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, देखिए इनके छोटे भाई हैं। तो अभी आप कौन क्लास में है? 7th। तो 2-3 साल के बाद अभी मैट्रिक का एग्जाम देंगे, तो इनको आप अपने अनुसार गाइड कर सकते हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी टॉपर बन जाएंगे? हाँ, हो सकता है, अगर इसका मेहनत हो तो, अगर ये कुछ करना चाहता है, इसका कोई गोल हो तो ये कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन आपका अगर गाइडेंस रहेगा तो जरूर कर जाएगा, लेकिन झगड़े होता नहीं, इसका सेल्फ भी होना चाहिए ना, मेरा गाइडेंस से क्या, इसका सेल्फ भी होना चाहिए। पढ़ने मन लगाता है वो? अभी बच्चा है, अभी खेलता कूदता ज्यादा है। 7th क्लास में तो हो गया, 3 साल के बाद तो मैट्रिक का एग्जाम होगा। नहीं, पढ़ता भी बहुत है, लेकिन झगड़ा भी करता है। हाँ, सबसे ज्यादा झगड़ा भी यही है। अच्छा, मैट्रिक में आपका 9th रैंक आया था और इस बार बिहार बोर्ड में टॉप कर गए, तो क्या टॉपर बनने के पहले विश्वास था कि हम टॉप ही करेंगे? बिल्कुल, इसी उम्मीद से तो शुरुआत किए थे। टॉपर ही बनना? हाँ, क्योंकि 10th में जो अचीव किए थे वो 12th में भी अचीव करना था, कहीं ना कहीं उससे बेहतर ही अचीव करना। इसमें एक बात ये हुआ कि शक्तिशाली होना अच्छी बात है, लेकिन उस शक्ति को बरकरार रखना बड़ी बात है। सबसे पहला वो बहुत टफ भी होता है। वो बहुत टफ होता है, एकदम एग्जैक्ट राइट। सबसे पहला बार आपको कहाँ से पता चला कि हम टॉप कर गए? मम्मी बताई, न्यूज पे पता चला। अच्छा, न्यूज के माध्यम से। चलिए बहुत बढ़िया। और NCERT बुक कितना कारगर है 12th के लिए, जैसे 100% में से अगर आप परसेंटेज देना चाहें तो? NCERT बुक्स वैसे हम नहीं पढ़ पाते थे, जो बिहार बोर्ड का नहीं वो था ना, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ था, उसका कुछ हिंदी लैंग्वेज था तो वो तो है, लेकिन उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते थे, क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, वो हमसे नहीं होता। आप कौन कौन से बुक से पढ़ाई किए थे, बुक का नाम? बुक्स तो हम ना नोट्स ही पढ़ते थे, जहाँ पर कोचिंग जाते थे उनका नोट्स पढ़ाई करते थे, कोई हेल्प बुक नहीं पढ़े हैं। सिर्फ मैथ का था एक, वो तो चलेगा, पढ़ा अमाउंट का था। कोई भी एक आध बुक जो आप सजेस्ट करना चाहें 12th क्लास के बच्चों के लिए? सजेशन बुक से हेल्प नहीं पढ़े। अच्छा, दूसरी, लेकिन मैथ के लिए एक है पैरामाउंट का, चूंकि आप एक लड़की होकर के टॉप किए हैं, तो भाई सबसे बड़ा बात है कि गर्व का विषय है। जहाँ अगर कुछ समय पहले तक देखा जाए तो लड़कियों को कहा जाता था कि सिर्फ खाना बनाने के लिए है और एक उम्र होता है तो इसका शादी ब्याह कर दो चली जाएगी, लेकिन आज लड़कियाँ ही हर एक क्षेत्र में टॉपर बन रही है। जहाँ मैट्रिक का रिजल्ट देखा जाए, पिछले साल भी देखे थे तो उस समय मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था, रामायणी राय टॉपर बनी थी, तो उस समय भी लड़की थी। इस बार भी आप टॉपर बने हैं, 1st, 2nd, 3rd साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में लड़की ही टॉपर है, तो कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ हैं वो आगे निकल रही है। तो लड़कियों के लिए कोई आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे बिहार के लड़कियों के लिए? अभी तो बस ट्रेलर है, अभी और आगे जाना है लड़कियों को। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, लड़कियों के माता पिता के लिए कोई मैसेज जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, जैसे मेरे मम्मी पापा, वो कभी रोके नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि तुम ये मत करो वो मत करो, तो उनको आज़ादी देना चाहिए, फ्रीडम, और उन पे बिलीव रखना चाहिए। और कोई सवाल? चलिए, अब हमारा सवाल खत्म हो गया, तो इन्हीं सब सवालों के साथ आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और दिल से धन्यवाद कि आप बिहार का नाम रोशन किए हैं, खगड़िया जिला का नाम रोशन किए हैं और अपने इस गांव का नाम रोशन किए, मम्मी पापा का नाम रोशन किए, अपने टीचर का नाम रोशन किए, अपने इस माटी का नाम रोशन किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और हम लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद रहेगा कि आपका जो सपना है UPSC करने का ना, UPSC को
क्लियर जरूर करिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर पूछेंगे कि यूपीएससी करने के बाद भी सपना होता है कि विदेश जाना है कि देश में रहना है? नहीं, देश में ही रहना, उसमें भी खास तौर पे बिहार में ही अगर पोस्टिंग मिल जाए तो। बिहार में, देश में रहना है, बिहार में रहना है तो सबसे बड़ा जरूर करना है। अच्छा, आयुष एक चीज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन में हम देखते हैं कि और ऑनलाइन में भी क्लास टेंथ के बच्चे जो है इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं और उसका बहुत सारा रीजन है फैक्टर, क्योंकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता ही नहीं है और ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और बच्चे के लिए चाह के भी ये नहीं कर पाते क्योंकि सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, तो ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट का जो उस पर क्या होता है, लोड होता है। हो गया, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको टाइम नहीं मिला, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा उस पर स्पेंड करते हैं। तो नाइन्थ में भी इंग्लिश नहीं हो पाता है, टेन में भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण एलेवंथ में भी क्या उनका इंग्लिश थोड़ा वीक ही रह जाता है। और फिर ट्वेल्थ में जब वो आते हैं तो वहाँ 100 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट डिवीजन में वो भी नंबर क्या होते हैं, जुटते हैं। कहीं ना कहीं यदि आपका 474 आया है, यदि उसमें इंग्लिश का दिया और 10 नंबर आ जाता और मान चलिए 20 नंबर आ जाता, तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा नंबर बढ़ता। क्या ये चीज़ को मानते हैं कि नहीं? तो आप क्या ये संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि जो 10 में है पार्ट टाइम निकाल के, जो टाइम आप फालतू इधर उधर यूज करते हैं, क्या उस टाइम में उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, हम तो नहीं पढ़ पाए थे लेकिन ग्रामर पोर्शन पे हमेशा से ही पकड़ होना चाहिए एकदम बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी चीज़ हम बोलना चाह रहे थे कि जब आप ट्वेल्थ में तैयारी कर रहे थे तो लिटरेचर और ग्रामर दो भाग में होता है, लिटरेचर और ग्रामर, तो आप ज्यादा मतलब आपका ज्यादा पकड़ किस पे था, ग्रामर पे था या लिटरेचर पे था? लिटरेचर पे ज्यादा, लिटरेचर पर। ग्रामर का कहीं ना कहीं ये होता है कि बचपन से थोड़ा जो ग्रामर का जो मतलब उतना नहीं मिल पाता, हाँ नहीं मिल पाता है ग्रामर का। और जबकि बोला भी जाता है कि ग्रामर जो है इज़ द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए आयुषी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं जो टेंथ में इग्नोर करते हैं इंग्लिश को, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिएगा, यही ना? इंग्लिश पे ध्यान देना है, जो बेवकूफ़ी हम किए वो मत कीजिए। हाँ, वो बेवकूफ़ी नहीं करना है, इंग्लिश पे ध्यान देना, आयुषी बोल रही है। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी जो है मतलब ये वो फलना चलना है ना। मेरा जहाँ तक मानना ये है कि कोई भी लैंग्वेज हो है ना, यदि उनसे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा क्या सफलता मिलती है। क्योंकि देखिए यदि आप साइंस के कोई बुक की बात कीजिएगा स्पेशली, तो उसमें वो इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं कि नहीं? जैसा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो उसमें बहुत सारे अंग्रेजी का ही यूज होता है। तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे को वो चीज़ दिक्कत होती होगी, जैसे कि मैथ में या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ड आते होंगे जैसे हाइड्रोजन, हिंदी में भी वैसे लगते हैं और अंग्रेजी में भी वैसे लगते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ड्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी क्या? जी बिल्कुल होती होगी। तो अभी तो हमको भी हो रहा है, अभी हम भी अब अपना मीडियम चेंज ही करने वाले हैं। अच्छा कोई बात नहीं यार, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, तो सुन लिया ना कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आप पर, ये बोल बोल के हम थक जाते, कितना समझाते लेकिन आप लोग के दिमाग में ये जाता ही नहीं है ना। चलिए चलिए, थैंक यू। और